वेलकम यू ऑल टू लर्न गुरु क्लासेस। आई एम रिद्धि, योर कॉमर्स एजुकेटर, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं और हमारे पास क्या क्या वैरायटी आती है इन द ऑब्जेक्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो आपके जो भी चैप्टर इससे पहले हैं फॉर टर्म वन, उनके ऑब्जेक्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा इनकेस अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं करे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिलेज। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ऑब्जेक्शन कहती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कि ऑर्गेनाइजिंग का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सही बात है। क्या प्रोसेस है? आई डी ए आई, ये हमारा ए ई प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट अगर उस प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग के लिखें तो ये वाला आपका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। आई होप इतना आप सबको याद हो चुका होगा, अभी सभी बच्चों को। चलिए जी, एंड देन रीजन कहता है, पहले उन्होंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन जो है वो पहला स्टेप है। देन रीजन ने बोला ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इनटू दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली प्रीडिटरमाइंड प्लान्स। सो बिल्कुल सही बात है, ये जो हमारी हेडिंग है उस हेडिंग में ही हम ये सारी बातें लिखते हैं। तो रीजन और ऑब्जेक्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट हो जाते हैं। दैट मींस ए बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमें डाउट नहीं है। चलिए फिर भी अगर बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस कैसे आएंगे, एक बार वो बात समझ लेते हैं। वैसे तो हम हर वीडियो में ये वाली बात करते हैं, बट अगर किसी बच्चे ने यहीं से स्टार्ट किया है तो उसके लिए वाली इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट ऑप्शन हम तब करेक्ट करते हैं जब ऑब्जेक्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हो और रीजन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो फॉर द assertion। एंड ऑप्शन टू बिकम्स करेक्ट व्हेन रीजन और assertion आर ट्रू एज अ स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट appropriate फॉर द assertion। और जब एक गलत हो एक सही हो तब सी और डी में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच सेज दैट ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। अब ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या? ऑर्गेनाइजिंग में यही तो होता है कि सबको सबका काम पता चलता है, सबको सबकी ड्यूटी पता चलती है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर क्वेश्चन में कही गई। एंड रीजन कहता है ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंगेस्ट द मैनेजर्स। ये बात तो चलो मान लिए सही है, पर आपने ऊपर बोला कि सबको जॉब मिलती है उससे रिलेटेड कुछ बात कर देते, उसको एक्सप्लेन कर देते, उन्होंने नई बात बता दी। सो नई बात जब बताएंगे तब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है बट रीजन इज नॉट एक्यूरेट फॉर द assertion। चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच सेज ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजिंग जो है एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों को प्रॉपरली यूज करना सिखाता है, मेनली ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली कैसे यूज करना है ये मैनेजर्स को समझाता है। नाउ प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब अवॉइड्स overlapping of work and also manages also makes possible the best use of resources। अब जब भी proper use होगा, proper job मिलेगी, सबको पता चल जाएगा कि इसको क्या काम करना है, तब overlapping नहीं होगा। overlapping का मतलब होता है एक के ऊपर एक या फिर repetition form हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा जब सबको सबका काम perfectly पता होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। assertion में भी यही कहा गया कि ये काम कैसे हो सकता है, उसका रीजन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बताया गया कि अगर आप सारी चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर कौन सा बनता है मैम? ए करेक्ट आंसर बनता है व्हिच सेज बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच सेज इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट अ प्रॉपर पर मैच इज मेड बिटवीन नेचर ऑफ जॉब एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। कहा जाता है कि जो उस पर्सन, जो इंडिविजुअल अगर उस जॉब के लिए पूरा का पूरा लायबल है, पूरा का पूरा वैलिड है, उसी पर्सन को वो जॉब दी जाए तो ऐसे करने से ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही बढ़िया चलने वाली है। रीजन कहता है इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क। रीजन देखो क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उसको काम क्या बताना है, आप कंपनी में एम्प्लॉयर रखो उसको बैठा के छोड़ दो। तो ऐसा तो ना तो स्टेटमेंट ट्रू है, बाद की बात तो बाद में ही होगी। एकदम से क्या कह दिया, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क, उसको काम ही ना बताओ, तो वो क्या किस लिए रखा है, क्या करेगा वो? देखिए आप सबके फेसेस देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, assertion तो ट्रू है बट रीजन जो है पूरा कंप्लीटली इनकरेक्ट है। दैट मींस हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाता है व्हिच सेज दैट assertion इज ट्रू एंड
रीजन इज फॉल्स. चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच सेज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ एंटरप्राइज. अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे बात होगी तो ऐसे करने से प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच एनेबल्स द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट बाय रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. एंड अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसका मोटिव ही ये प्रोवाइड करना है कि पूरी जो है एक एनवायरनमेंट हम प्रॉपर क्रिएट कर पाए लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ताकि सब कुछ प्रॉपरली चल पाए. तो ऊपर भी यही कहा गया कि एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बनाए तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वेल परफॉर्म कर पाएगी. दैट मीन्स कि ए बिकम्स द करेक्ट आंसर वेयर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड एक्यूरेट फॉर ईच अदर. देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर 6 which says that delegation of authority allows more time for managers to concentrate on the tasks that are of higher importance for the organization. अब delegation काम करने से, अपना काम जो है employees को देने से, subordinates को देने से जो manager है उसका load कम हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है, manager का load कम हो जाएगा और वो concentrate कर पाएगा to the task, जो भी उसका preferred task है उस पर concentrate कर पाएगा. assertion ये कहता है. Then reason says that delegation allows for changing of the routine work which brings a sense of freedom. अब delegation की मदद से जो manager है वो अपना रोज का जो routine का काम है उसको change करके एक freedom लेता है और जब उसके दिमाग में freedom आएगी तो वो better planning कर पाएगा. बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी यही बात कही गई हमें कि delegation में क्या होगा, delegation में उसका काम जो है वो transfer हो जाएगा और वो concentrate कर पाएगा. और वो कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाएगा, जब उसके दिमाग से प्रेशर हटेगा काम का और दिमाग में एक फ्रीडम होगी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्रिएटिव सोच सकता हूँ. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है ए, व्हिच सेज दैट बोथ आर ट्रू एंड दे आर एक्यूरेट फॉर ईच अदर. देन कम्स योर अथॉरिटी रेफर्स टू द ऑफिशियल पावर एंड पोजिशंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन एनी टास्क. अथॉरिटी का मतलब है कि आपके हाथ में अब सारी पावर है, आप जो है इस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो. कैसे करना है ये भी आपके हैंड्स में है. देन रीजन में हमारे पास आया अकाउंटेबिलिटी रेफर्स. अब देखो अजर्शन में फर्स्ट वर्ड से हमें समझ आ गया कि अजर्शन में आप कह रहे हो अथॉरिटी की डेफिनेशन आपने हमें समझाई एंड रीजन में यू हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अकाउंटेबिलिटी. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्लियर है, ऐसे सिचुएशन में करेक्ट आंसर तो हमारा ए नहीं हो पाएगा. चलिए अब पढ़ते हैं. अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू obligation on the part of subordinate to whom responsibility and authority are granted to see to it that the work is done. Accountability का मतलब है कि जिसको भी काम दिया गया है उसकी जवाबदारी है, उसको answer करना है at the end कि आपने कैसे कैसे काम किया और वो task कैसे कैसे complete हुआ, timely हुआ या नहीं हुआ. That is correct. Accountability को समझाया आपने बिल्कुल properly. But यहाँ पर हमने क्या पूछा था, assertion की हमने कहा था authority की बात करो, आपने रीजन में कर दी अकाउंटेबिलिटी की बात. तो हम ऑप्शन कौन सा करेक्ट करके आएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे जो कहेगा बोथ आर ट्रू बट नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अजर्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को दी जाती है. बिल्कुल ट्रू बात है, कोई ना पढ़ने की जरूरत नहीं थी इस बात को. तो ये तो हमें पता ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सुपीरियर ही सबॉर्डिनेट को देगा. जैसे हमें घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है ना, तो वो भी कोई हमें हमारा सबॉर्डिनेट कोई एल्डर पर्सन ही देता है. चलिए अब रीजन कहता है द सबॉर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर. अब जो भी हमें ड्यूटी दी जाती है हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस ड्यूटी को कंप्लीट करें. तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल ये एग्जैक्ट बातें हैं एक दूसरे के लिए. एक्चुअल में जब भी हमें कोई जिम्मेदारी देकर जाता है तो हमारा क्या ड्यूटी बनती है कि हम उसको प्रॉपरली करें. सो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है ए, दैट बोथ आर करेक्ट. चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच सेज डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज. अब डेलीगेशन यानी कि अगर हम सबॉर्डिनेट्स को काम देंगे तो सबॉर्डिनेट्स का टैलेंट जो है इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयज का टैलेंट जो है बढ़कर आएगा और निकल कर आएगा कुछ ऐसा स्पेशल जो हमने सोचा भी नहीं था. ऐसा होता है, assertion true है. रीजन कहता है डेलीगेशन डज नॉट फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज. अब कह रहे हैं कि डेलीगेशन जो है वो एंटरप्राइज को ग्रो नहीं करने देती. ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है. अब जब मैनेजर कॉन्क्रीट या फिर बेटर एक्टिविटीज पर या फिर कोर एक्टिविटीज पर फोकस करेगा तो क्या होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही तो होगा. जब वो बाकी जो
काम वो उसको जो ट्रांसफर कर सकता है, जब वो वाला काम ट्रांसफर करके मेन एक्टिविटीज पर, कोर एक्टिविटीज पर फोकस करेगा और एम्प्लॉयज बाकी सारा काम हैंडल कर लेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर रीजन जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, दैट मींस सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, दैट assertion is true and reason is false. Let's come to your last question of today's session, which says that functional structure makes training of employees easier as the focus is only on limited range of skills. अब कहने की functional structure में जब एक person अपनी skills पर ही concentrate करता है, अपनी specialized skills पर ही concentrate करता है, तो better होता जाता है दिन बर दिन. Then reason कहता है divisional heads are accountable for profits, कहते हैं कि divisional heads की जिम्मेदारी होती है profits की जवाबदारी में. बिल्कुल सही बात है, बट ऊपर आपने functional की बात करी, नीचे आपने divisional की बात कर दी, बिल्कुल ही अलग अलग statement start कर दी, भी correct answer बन जाता है ऐसी condition में, कोई doubt नहीं है इस बात में, तो हमें clear है ये बातें. चलिए इतना क्लियर हुआ, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर रिवाइज भी हो गया होगा आप सभी बच्चों का, एंड सभी बच्चों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि assertion and reason कैसे आ सकते हैं इन योर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर. ठीक है जी, तो लर्न कर रहा है आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स. एंड आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक.